प्रयागराज में यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का तीसरा दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, एक ही दिन में पेपर करवाने की मांग की। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। पुलिस ने 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, 11 लोगों को हिरासत में लिया। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग न हो, कानून का उल्लंघन है बुलडोजर का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर कहा नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया जाए, डिजिटल पोर्टल पर भी नोटिस का जिक्र हो। SC ने कहा कार्रवाई से पहले पक्ष सुनना जरूरी, लोगों को अवैध निर्माण हटाने का मौका दें, बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ ना हो। कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है, प्रशासन जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध की सजा देना कोर्ट का काम, अवैध तरीके से किसी का घर तोड़ना उसे मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित होंगे, बेलगाम होकर काम नहीं कर सकते अफसर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा घर छीनना मौलिक अधिकारों का हनन है, घर एक सपने की तरह, मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं। राज्य सरकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, राज्य में कानून का राज जरूरी, कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी को एक तो सजा, पूरे परिवार को क्यों? बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण ना हो, घर केवल एक संपत्ति नहीं वो लोगों की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई, लताड़ लगाई, कहा अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय नहीं करेंगे कि दोषी कौन है, ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा अगर किसी ने कब्जा किया तो वो कार्रवाई हो तो होगी, सरकार कानून के दायरे में रहकर ही काम करती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा इस फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था, इससे लाखों जिंदगियां मुदस्सिर होंगी। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में वोटिंग के बीच फायरिंग, नॉर्थ 24 परगना में TMC कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, वारदात वाली जगह से बम भी बरामद। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान, सीताई, मदारी हाट, नई हाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडंगरा सीट पर बीजेपी और TMC में सीधा मुकाबला। पश्चिम बंगाल के मदारी हाट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार ने मतदान किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी, राज्य की 81 में से 43 सीटों पर लोग कर रहे हैं वोटिंग। झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी, पीएम मोदी ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा सभी मतदाता लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ वोट करें, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग जारी, राहुल गांधी ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, बोले संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूर करें मतदान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में मतदान किया, सीएम सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बोले सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, गोगी दीदी योजना बहुत लाभदायक है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा चुनाव के लिए रांची में मतदान किया, लोगों से भी वोट कास्ट करने की अपील की। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने परिवार संघ जमशेदपुर में वोट कास्ट किया, लोगों से भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। रांची में बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने वोट कास्ट किया, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। झारखंड की जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से JDU के उम्मीदवार सरयू राय ने वोट कास्ट किया, लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में मतदान किया, लोगों से भी वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने भी मतदान किया, लोगों से भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार ने वोट कास्ट किया, लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। झारखंड चुनाव पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा बीजेपी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी, जनता JMM के कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया मतदान, लोगों से भी मतदान की अपील की। जमशेदपुर के वोटरों में उत्साह नजर आया, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत केरल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, कुल 31 सीटों के लिए मतदान।
केरल के वायनाड में वोटिंग जारी। विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने के लिए सुबह सुबह लोगों की कतार लगी। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्र का दौरा किया। वायनाड से प्रियंका के खिलाफ बीजेपी के नव्या हरिदास लड़ रही हैं चुनाव। राजस्थान के 84 में उपचुनाव के लिए वोटिंग, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार। राजस्थान के अलवर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान ने वोट डाला। राजस्थान के रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान ने वोट कास्ट किया। बिहार में उपचुनाव बना सेमीफाइनल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बिहार के रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लगी लंबी कतार। बुधनी में उपचुनाव के लिए मतदाता मतदान में जुटे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वोट देने की आपको जरूरत है, घरों से निकले वोट दें। उन्होंने भी वोट कास्ट किया। बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट देने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश के सीहोर की बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने किया मतदान। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी। मतदान केंद्रों पर लगा लोगों का तांता। मध्य प्रदेश के विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग, बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने किया मतदान। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी प्रत्याशी सुनील लोनी ने अपने परिवार संग वोट कास्ट किया। लोगों से भी मतदान की अपील की। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान। बीजेपी ने सुनील कुमार सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुकाबले की बात कही। असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों की संख्या ज्यादा और साख भी दांव पर। असम के सामागुरी में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। भारी संख्या में मतदान करने पहुंची महिलाएं। शिग गांव उपचुनाव पर बीजेपी नेता बसवराज बोमई ने कहा, शिग गांव से बीजेपी की जीत तय है। उपचुनाव की सभी 3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत तय है। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास रखा। बिहार के दरभंगा में पीएम ने जनसभा को संबोधित कर कहा, आज जनता को सरकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। पहले लोगों तक नहीं पहुंचती थी योजनाएं। पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना से सबसे ज्यादा अब तक 4 करोड़ गरीबों का इलाज हुआ। इस योजना से करोड़ों परिवारों की बचत भी हुई है। मोदी ने कहा, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से बेहद खराब थीं। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेहतरी आई है, सुधार हुआ है। मुंबई में बीती रात जोगेश्वरी इलाके में शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। शिंदे गुट ने कहा, उद्धव गुट ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के बाद सियासत तेज हुई। बीजेपी ने फडणवीस के बैग की चेकिंग का वीडियो जारी किया। कहा, कोल्हापुर एयरपोर्ट पर 5 नवंबर को फडणवीस के बैग की चेकिंग हुई। बीजेपी ने कहा, फडणवीस के बैग की जांच की गई। उन्होंने ना तो कोई वीडियो बनाया, ना कोई हरकत की। कुछ नेताओं को तमाशा करने की आदत होती है। शिवसेना उद्धव गुट के मुख्यमंत्री पद का ठोका दावा। मुख्यमंत्री पद को लेकर मुखपत्र सामना में विज्ञापन। विज्ञापन में लिखा, मशाल आएगा, महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का प्रचार कुटुंब प्रमुख के तौर पर लगातार कर रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर तक चुनाव होने हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में धुंध की सफेद चादर नजर आई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ, विजिबिलिटी हुई लो। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के यमुना नदी में प्रदूषण की जो तस्वीर है वो नहीं बदली, प्रदूषण और भी बढ़ चुका है। नदी की सतह पर जहरीले झाग की बात करें तो उसकी परत भी देखी गई। यूपी के नोएडा में सांस लेना मुश्किल हुआ, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई लो। हरियाणा में करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में छाई विजिबिलिटी लो की परेशानी। हरियाणा के अंबाला में प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। महाराष्ट्र में मुंबई में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता। कोस्टल रोड इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, कुंभ के लिए की जा रही सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है निगरानी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच आज सेंचुरियन में रात 8:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।
चार मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक एक से आगे, दोनों टीमें जीत के लिए महज दो बढ़त लेने की करेंगी कोशिश, जिनमें से एक का मौका आज। सेंचुरियन की पिच में ही काफी उछाल और गति, गेंदबाजों को पिच से मिलेगी मदद, तेज गेंदबाजों की हो रही है बात, बल्लेबाजों को हालांकि मिलेगी चुनौती। साउथ अफ्रीका के में भारत का रिकॉर्ड बेहतर, अब तक खेले 12 इंटरनेशनल मुकाबले, 7 मैचों में विजयी हुए, 4 में हार और 1 मैच ड्रॉप हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ फ्री स्टॉपी पर लगा जुर्माना, आईसीसी ने मैच फी का 15% लगाया जुर्माना। टॉपली ने गेंदबाजी के दौरान चोटिल होने के बाद गुस्से में पटक दी थी कुर्सी। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब मांगा, पूछा जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने वाले 3 दावेदार केएल राहुल, शुभमन गिल और अभिमन्यु ईश्वरन कर सकते हैं ओपनिंग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल सकते हैं भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रणजी खेल को खेलने को कहा, शमी को फिटनेस के लिए सिलेक्टर के सामने दिखाना होगा अपना टेस्ट। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टिम पेन ने की ध्रुव जुरेल की तारीफ, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने लिया संन्यास का ऐलान, 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे से ले लेंगे संन्यास। भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने प्रदर्शन को लेकर बयान देते हुए कहा, दबाव की परिस्थिति में भी शांत रहता हूं, जितने सीमित ओवरों में डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने में मदद मिलती है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुनाफ पटेल को बनाया अपना गेंदबाजी कोच, मुख्य कोच हिमांग बदानी हैं और डायरेक्टर वेणुगोपाल राव के साथ काम करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज पॉल एडम्स ने रविचंद्रन अश्विन और नाथन लियोन की तुलना की, कहा लियोन अश्विन की तुलना में संपूर्ण गेंदबाज। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने नील मैकेंजी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने बनाया सलाहकार कोच, पूर्व खिलाड़ी हैं नील मैकेंजी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, वानिंदु हसरंगा चोट की वजह से बाहर हुए। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन शतरंज को की रैकेट को लेकर चिंतित नजर आए, वर्तमान में शतरंज की रेटिंग में पहले की तुलना में गिरावट आई। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने गुकेश को बताया विश्व शतरंज चैंपियनशिप का प्रबल दावेदार, जी गुकेश अपने चीनी प्रतिद्वंदी चीनी खिलाड़ी डींग लीरेन से बेहतर बताते नजर आए। भारत के पंकज आडवाणी बने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन, पीएम मोदी ने पंकज आडवाणी को दी बधाई।